कुशवा समाज के आराध्य देव भगवान लवकुश के जन्मोत्सव और तीज उत्सव पर नगर में भव्य जल समारोह निकाला गया। 8 वर्षों के बाद कुशवा समाज द्वारा सामूहिक रूप से परिवार की बेटियों और बहुओं ने मिलकर गणगौर माता का पूजन किया। नगर के समाजजन अपने आराध्य भगवान लवकुश की जयंती और तीज उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। गणगौर पूजन और भगवान लवकुश जन्मोत्सव पर आयोजित इस कार्यक्रम में इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे और उन्होंने पूजन कर समाजजनों को बधाइयां दी। शोभा यात्रा में युवक युवती भक्ति गीतों पर नृत्य करती हुई चल रही थी तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने सर पर गणगौर माता को उठाए हुए रखा था। प्रातः 9 बजे से कुशवा मोहल्ला से प्रारंभ होकर गौली मोहल्ला, राजबाड़ा चौक, पूरा बाजार होते हुए दशहरा मैदान स्थित राजराजेश्वर मंदिर पहुंची, जहां पर गणगौर माता का पूजन किया गया। तत्पश्चात वहां से लवकुश का जुलूस कचहरी प्रांगण पहुंचा, जहां पर महाआरती के बाद प्रसादी वितरण की गई। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। व्रत का और लवकुश भगवान की यात्रा भी निकल रही है, इसमें हमारे सांसद जी और भी धर्म प्रेमी जनता सभी बधा रहे हैं। सभी को कुशवा समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज लवकुश जन्म जयंती पर बेटमा में तीज का भी उत्सव है और गणगौर भी उत्सव है। मुझे लगता है वर्षों बाद इस प्रकार का उत्सव हुआ है और जिस प्रकार का उत्साह माता बहनों में, यहाँ के युवाओं में, हमारे धर्म संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, हमारी पताका आगे ले जाने के लिए इस प्रकार का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम, मुझे लगता है पूरे इंदौर जिले में सबसे बड़ा अगर तीज का उत्सव और गणगौर का उत्सव हुआ है तो हमारे यहाँ बेटमा हुआ है। मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का जो आयोजन है, जो हमारी धर्म संस्कृति की पताका को आगे ले जा रहा है, ये होना चाहिए और क्षेत्र में होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।